दिल्ली में बीजेपी को मिल सकता है सरकार बनाने का न्यौता। उपराज्यपाल नजीब जंग ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर मांगी सलाह। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय को मिली राष्ट्रपति की चिट्ठी, कैबिनेट कर सकती है चिट्ठी पर विचार। दिल्ली पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबट का जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर टोनी से मिलाए हाथ। राष्ट्रपति भवन में टोनी एबट को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान। दोनों देशों के बीच परमाणु करार होने की उम्मीद। पी सदाशिवम ने केरल के राज्यपाल पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद लोगों ने नए राज्यपाल का किया स्वागत। सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन के 17 जवान निलंबित। सुकमा में नक्सली हमले के दौरान भाग गए थे। टूजी घोटाले के आरोपियों से घर पर मुलाकात के खिलाफ याचिका पर रंजीत सिन्हा का पलटवार। सुप्रीम कोर्ट को झूठा हलफनामा देने का लगाया आरोप। सोमवार को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जेलों में आधी सजा काट चुके विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का आदेश। जजों ने कहा 2 महीने बताएं कितने कैदी रिहा हुए। मद्रास हाईकोर्ट से मारन भाइयों को राहत। सूचना प्रसारण मंत्रालय के आदेश को किया खारिज। मंत्रालय ने कॉल केबल का लाइसेंस रद्द किया था। सुब्रत रॉय सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा 10 दिन का और वक्त। 9 सितंबर तक ही मिली थी तिहाड़ का कॉन्फ्रेंस हॉल इस्तेमाल करने की मंजूरी। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में नहीं दिखाएंगे प्रधानमंत्री का लाइव भाषण। पहले से तय प्रोग्राम के मुताबिक ही मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शिक्षकों को बधाई। उनके योगदान को युवाओं के लिए अहम बताया। दो घंटे बाद देश भर के स्कूली बच्चों से रूबरू होंगे प्रधानमंत्री मोदी। शिक्षक दिवस पर छात्रों के सवालों का देंगे जवाब। दोपहर 3 बजे से शाम 4:45 तक चलेगा पीएम मोदी का कार्यक्रम। टीवी, रेडियो और इंटरनेट के जरिए प्रसारण का इंतजाम। दिल्ली के मानेकशॉ ऑडिटोरियम से देश भर के बच्चों से रूबरू होंगे पीएम। ऑडिटोरियम में पीएम के साथ होंगे 700 बच्चे। पीएम के भाषण को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय ने दी सफाई। कहा स्कूलों के लिए अनिवार्य नहीं है इसे दिखाना। इससे पहले मंत्रालय के सर्कुलर पर मचा था बवाल। सर्कुलर में छात्रों को पीएम का भाषण सुनाने का दिया था आदेश। दिल्ली के स्कूलों में पीएम का भाषण सुनाने की तैयारी। बाहरी दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय में लगी एलसीडी। नोएडा के बाल भारती स्कूल में भी जबरदस्त उत्साह। स्कूल ने कहा इम्तिहान में पूछे जाएंगे मोदी के भाषण से सवाल। एक प्रश्न होगा वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से रिलेटेड होगा। गणेश उत्सव के बावजूद मुंबई के स्कूलों में पीएम का भाषण लाइव दिखाने की तैयारी। बीएमसी ने स्कूलों को भेजा निर्देश। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शिक्षक दिवस कार्यक्रम को लेकर उत्साह। कई स्कूल प्रोजेक्टर के जरिए दिखाएंगे भाषण। वाराणसी में यूपी बोर्ड के कॉलेजों में भी विशेष इंतजाम। कल दिन भर साफ सफाई में जुटे रहे छात्र। मोदी जी का जो कार्यक्रम है उसमें 6 जगह हमने 3 प्रोजेक्टर और 3 बड़ी LCD लगा रखी है। बिहार के समस्तीपुर में मदरसा में प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनाने की तैयारी। लाइव टेलीकास्ट के लिए मदरसे में लगा एंटीना। राजस्थान के बाड़मेर में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों के चक्कर लगाते नजर आए शिक्षक। ज्यादातर स्कूलों में बिजली कनेक्शन ना होने से समस्या। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में जान हथेली पर लेकर पीएम का भाषण सुनने स्कूल जाएंगे बच्चे। गाड़ियों के ट्यूब पर बैठकर पैरी नदी पार करते हैं बच्चे। गुजरात के 10 जिलों के स्कूलों में नहीं होगा पीएम मोदी के भाषण का प्रसारण। विधानसभा उपचुनाव की वजह से लागू है आचार संहिता। दसिक स्थान पर दसिक जिलों के अंदर चुनाव के हिसाब से ये प्रसारण नहीं कर पाएंगे। झारखंड के स्कूली बच्चे पीएम के भाषण से वंचित रह सकते हैं। स्कूलों में है कर्मा पर्व की छुट्टी। सरकार ने स्कूलों पर छोड़ा मामला। जम्मू कश्मीर में भी बच्चे नहीं सुन सकेंगे पीएम का भाषण। बाढ़ की वजह से स्कूलों में छुट्टियां।
मोदी की पहल को लेकर सियासी विवाद जारी, भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन। मातोश्री जाकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिले अमित शाह, बीजेपी ने बताया औपचारिक मुलाकात। मिशन महाराष्ट्र पर बीजेपी अमित शाह बोले, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के स्वराज बाद फिर स्वराज का उदय होगा। स्वराज की शुरुआत यहां से शिवाजी महाराज ने करी थी और आज कांग्रेस मुक्त भारत के दूसरे अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र करने जा रहा है। अमित शाह ने दिया नारा, छत्रपति का आशीर्वाद, चले चलो मोदी के साथ। मोदी के साथ और छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद के साथ, तो मित्रों इस सूत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिनों का कार्यक्रम और 100 दिनों के किए हुए कामों का अपना भाथा लेकर और इनका 15 साल का जो कुशासन है उसकी कहानियां लेकर लोगों के बीच में फैल जाइए। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हल्ला बोल, कहा देश में बिजली नहीं और मोदी जापान में बजा रहे हैं ढोल। प्राइम मिनिस्टर जापान में ढोलक बजा रहे हैं और यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे सब्जी के दाम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। राहुल के वार पर बिफर उठी बीजेपी, कई नेताओं ने किया पलटवार। सर जो राहुल जी ने कहा, प्लीज सर, उनका पार्टी वाले खुद उनका नहीं सुन रहे, हम क्यों सुने। गणपति पूजा के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, 7% बढ़ा महंगाई भत्ता। बेसिक वेतन का 107% मिलेगा महंगाई भत्ता, 1 जुलाई 2014 से होगा लागू। रिटायर हो चुके लोगों को भी मिलेगा फायदा, पेंशन पर महंगाई भत्ता लागू। जो भी भारत सरकार के कर्मचारी हैं उन सबों को डियरनेस अलाउंस का एडिशनल इंस्टॉलमेंट जो 1 जुलाई 2014 से दिए है उसको रिलीज करने के निर्णय किया गया है। वो उसका एक प्रेस्क्राइब्ड रेट है, 107% ऑन 100% रेट, प्रेस्क्राइब्ड रेट उसको देने का निर्णय किया गया है। कैबिनेट की बैठक में मोदी के जापान यात्रा की भी चर्चा, कामयाब दौरे को लेकर बधाई। निराकरण के गुनहगार सुरेंद्र कोहली को मेरठ में दी जाएगी फांसी, मेरठ के जेलर ने कहा 12 सितंबर को दी जाएगी फांसी। क्या फरमान आया, क्या आदेश आया है जो इसका अभी तक 12 तारीख को जो है फांसी दी जाएगी। डासना जेल से कोहली को ले जाया गया मेरठ, गाजियाबाद जेल में नहीं है फांसी की व्यवस्था। कोहली को फांसी दिए जाने से खुश है निठारी कांड के पीड़ित अभिभावक, कहा पंडेर को फांसी मिले तो असली खुशी। बदायूं कटरा कांड के मुख्य आरोपी पप्पू और उसके दो भाइयों की जमानत मंजूर, पीड़ित परिवार से सीबीआई ने की पूछताछ। बिहार सरकार ने माना दवा खरीद मामले में हुई है गड़बड़ी, ब्लैक लिस्टेड दवाओं की खरीद जांच के लिए बनी कमेटी ने की घोटाले की पुष्टि। राज्य की मानव संसाधन विकास मंत्री गीता श्री उराव से मिली तारा शहदे, निशानेबाजी में वापस लौटने के लिए मांगी मदद। 6 दिन के पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया रंजीत कोहली, मां कौशल रानी को 2 दिन की पुलिस रिमांड। कश्मीर में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से बर्बादी, 20 तक पहुंची मरने वालों की तादाद। बाढ़ से कश्मीर में डूबे 150 से ज्यादा घरों को नुकसान, अकेले अनंतनाग में करीब 50 घर पानी में डूबे। सैलाब से पुंछ और रियासी में सबसे ज्यादा तबाही, पुंछ में 7 और रियासी में 6 लोगों की मौत। आसमान से बरसी आफत का असर वैष्णो देवी यात्रा पर, लगातार बारिश की वजह से कल वैष्णो देवी यात्रा में आई रुकावट। कश्मीर में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य जारी, दिल्ली से भेजी गई एनडीआरएफ की 4 यूनिट।